युवावस्था यानी कि बुढ़ापा, ये किसी भी इंसान के जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे ना चाहते हुए भी इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन तो वृद्धावस्था में कदम रखना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने किसी भी शख्स को अजरता का वरदान नहीं दिया है, यानी कि बुढ़ापा हर किसी में आना ही आना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिटायर होने के बाद उनके बच्चों ने अपने जीवन से भी रिटायर कर दिया, जिन बच्चों की उंगलियां पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया। जिन बच्चों का पेट भरने के लिए माँ बाप ने रात दिन एक कर दिया, उन्हीं माता पिता की दो वक्त की रोटी उन बच्चों को आज भारी लगने लग गई। अपना सब कुछ तुम्हारे बचपन और जवानी पर लुटा दिया, पैसे से ही नहीं रिश्तों से भी कंगाल हो गया। पहले था दूसरों की लाठी में, अब दूसरों में अपनी लाठी ढूंढता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ। मेरा अपना वजूद खो गया है, कल तक जो था अपना अब पराया हो गया है। मैं अपनी पहचान अपनों में खोजता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। और माँ हूँ जो गाली देवे नौके हमें खावेगी, कौआ खानी जाने काका बके लात थप्पड़। मैंने एक ही लड़का है मेरे, 30 साल पहले मैंने आगरा से शादी करी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वो अपनी उसकी पत्नी को लेकर इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद वो ठेकेदारी करने के लिए। कुछ दिन के बाद वो मेरे पे आता जाता रहता था। उसने कहा तुम्हारा कोई और है नहीं, तुम्हारी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में। तो 15 साल पहले यहाँ मेरा मकान था और सामान सबको, मकान को बेच गया और सामान को सबको ले गया। मारता पीटता था, खाना देता नहीं था। 1-1.5 महीने मुझे रखा तो मैं तो निकल आया। ये मेरी पत्नी रह गई थी, उसको वहाँ से बैठा कर लाया वो और भगवान टाकिस में ला के छोड़ गया और कह रहा मेरे यहाँ मत आना, मेरा नाम मत लेना, मुझको छोड़ने आया था। और मेरा कोई वास्ता नहीं है, न मेरे पास आता है, न फोन है, न कोई बात है। ऐसा था, उसने सब ले लिया, सामान ट्रक में भर के ले गया था, वो सब उसके पास है। सुना आपने कैसे इनके अपनों ने ही इनका सब कुछ छीन कर इन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। इनके जैसे ना जाने और भी कितने बुजुर्ग हैं जो अपनों द्वारा अपने घरों से निकाले जाने के बाद अपना सिर छिपाने के लिए किसी घरौंदे की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ मैं ऐसे आ गया कि मेरा छोटा भाई जो स्टेट बैंक में था वो बेचारा बीमार पड़ गया, उसको दिल्ली सर गंगाराम नर्सिंग होम में ले गए। तो मेरा भतीजा मुझसे बोला ताऊ जी
पिताजी की हालत खराब है तो अपनी व्यवस्था को कहीं भी कर लो। बहू ने मारा, भाई ने मारा, हाँ उनको नहीं आती है, उन्होंने हमारे साथ बहुत डर काम की। पत्नी तो हमारी मर गई बाबू जी, और लड़के भी हमारे पैसे खा के मरी गई, 5-6 हजार 45 हजार रुपया खा के मर गई। हमें खाना दिया ही नहीं 1.5 महीना, 1.5 साल तक मांग मांग के खाते रहे। अब माँ बापों को भी थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, ये नहीं कि समय से पहले ही वो सारी धन दौलत अपने बच्चों को दे दें और अपने लिए रखें और अपने लिए यथेष्ट रखें अपने बुढ़ापे के लिए, ताकि उनका जीवन यापन, उनकी चिकित्सा, उनका अच्छा पोषण और सारी व्यवस्थाएं किसी ऐसी जगह पर हों। इन बुजुर्गों की जरूरतों को महसूस करते हुए यहाँ के कुछ गैर सरकारी संस्थानों ने इनके रहने एवं भली प्रकार से देखरेख के इरादे से इन वृद्धाश्रमों की स्थापना की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय हमारे देश में लगभग 1050 वृद्धाश्रम कार्यरत हैं। इन वृद्धाश्रमों में से कुछ में एक निर्धारित शुल्क लेकर वृद्धों को रखा जाता है और कुछ एकदम निःशुल्क है। रामलाल वृद्धाश्रम एक ऐसा ही वृद्धाश्रम है जहां आश्रय लेने वालों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, मात्र सेवा भाव से यहां सबको रखा जाता है। ये संस्थान सिर्फ वृद्धाश्रम ही नहीं है, कोई भी बेसहारा, अनाथ, अपाहिज, बच्चा, दुखियारी महिला या अपनों द्वारा तिरस्कृत बुजुर्ग यहां पनाह लेने के लिए आ सकता है। किसी भी जरूरतमंद के लिए इस आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अपने बच्चों द्वारा ठुकराए हुए ना जाने ऐसे कितने माँ बाप हैं जो आज किसी रेलवे स्टेशन पर, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में या फिर किसी वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। जब पूरा परिवार एक साथ रहता था तो सब बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, घर के हर अच्छे बुरे काम में उनकी सलाह ली जाती थी, लेकिन आज हमें ऐसा करते हुए शर्म महसूस होती है। आर्थिक तौर पर हमारे बुजुर्गों का पराधीन होना भी इस समस्या का एक कारण है। पहले तो बड़े प्यार से इनके बहू बेटे इनकी सारी जमा पूंजी अपने नाम करवा लेते हैं और फिर इनको नाकारा घोषित करके इन्हें इनके अपने ही घर से बेघर कर देते हैं। श्री रामलाल वृद्धाश्रम जो विगत 6 साल से आगरा में काम कर रहा है, एक सेक्टर के अंदर कोठी के अंदर वृद्ध माताओं पिताओं की सेवा कर रहा है, उनसे 2009 में जोड़ने का मौका मिला। शिव कुमार जी उसके अध्यक्ष हैं और उनके परिवार के, गांव के, उनके मित्र बड़े अच्छे तरीके से वहाँ जितने कार्यकर्ता लगे हुए सेवा कर रहे हैं। आशा है कि यह उत्तर प्रदेश के लिए तो कम से कम एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा सरकार के लिए। सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो दूसरे के माता पिता को आश्रम में सहारा देकर उनको अपने माता पिता की तरह सम्मान देते हैं। वही सम्मान हमारे रामलाल वृद्धाश्रम के सहयोगी हमारे रामलाल शिवप्रसाद शर्मा, विष्णु शर्मा सारे लोग कर रहे हैं। हम लोग भी उस आश्रम से अंतरात्मा से जुड़ चुके हैं और हमारा सबका प्रयास है कि तमाम वो बुजुर्ग जिन्होंने, जिनके परिवार ने जिनको ठुकराया है, उनको हम उनके माता पिता के रूप में ही उनको सम्मान दे सकें। माँ बाप को बेटा बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, अब वो लोग कहाँ जाएं? तो ऐसे लोगों के लिए रामलाल वृद्धाश्रम जैसे स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ काम कर चले, दुनिया में हम आए हैं तो कुछ काम कर चले, शुभ कर्म करें और अपना नाम कर चले, शुभ कर्म करें और अपना नाम कर चले। हम भी बुजुर्ग होंगे एक दिन ये सोच कर, हम भी बुजुर्ग होंगे एक दिन ये सोच कर, हम अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर चले, हम अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर चले। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में स्थित इस आश्रम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वर्गीय श्री वीरीलाल सारस्वत जी। हुआ यूं कि एक दिन श्री सारस्वत जी को अछेरा रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग रोते हुए मिले। श्री सारस्वत जी के पूछने पर उन्होंने बताया
कि उनके बच्चों ने उनका सब कुछ छीन कर उन्हें मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया और अब वो सर छुपाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उस बुजुर्ग की आप बीती सारस्वत जी के मर्म को छू गई। उन्होंने बुजुर्ग को समझाते हुए कहा, आप किसी भी बात की चिंता ना करें और मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं अभी आपका टिकट लेकर आता हूं। लेकिन जब सारस्वत जी टिकट लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग रेल के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुके थे। बस उसी दिन से सारस्वत जी ने अपने परिवार वालों द्वारा तिरस्कृत बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एक वृद्धाश्रम खोलने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जल्द ही अपने शुभचिंतकों के सहयोग से आगरा के पास अपने पुश्तैनी गांव में अपने एक खाली पड़े घर में इस आश्रम की शुरुआत की। हमारे यहाँ इस गांव के ही बड़े श्रद्धेय और बुजुर्ग पंडित जी गिरिलाल सारस्वत जी ने जो इस आश्रम की शुरुआत की, उसके पीछे अपने पूरे जीवन का नजरिया था कि बुजुर्गों को जो परेशानी अपने संतान से अपने समाज में झेलनी पड़ रही है, हालांकि बड़े सोचनीय है उनकी संतान ने या उन्होंने अपने बुजुर्गों की कभी इस तरह से अवहेलना नहीं की, और बड़े नज़दीक से उन्होंने समाज में अपने को ये परखा कि बुजुर्गों को जो परेशानी है उस परेशानी में अंतिम समय में कोई ना कोई एक ऐसा आश्रय हो जहां वो एक ठिकाना बना सके। इसी संदर्भ में उन्होंने इस आश्रम की शुरुआत की और उनके इसी मिशन को उनके बच्चों ने काफ़ी आगे लेके जा। मेरे पिताजी का उद्देश्य था इस वृद्धाश्रम के पीछे कि ये वास्तविक जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी सेवा यहाँ हो, जिनके बच्चे प्रताड़ित करते हैं, जो गृह कलह से परेशान है, ऐसे बाबा दादी की यहाँ सेवा हो, इसी उद्देश्य से खोला था। इस आश्रम में हर साल अपने घर वालों द्वारा तिरस्कृत, बीमार, असहाय एवं घरेलू कलह से परेशान लगभग 300 के करीब वृद्ध बच्चे व महिलाएं किसी सहारे की तलाश में आते हैं और यहां उनकी हर तरह से मदद की जाती है। सबसे पहले तो किसी भी तरह से इन लोगों के परिजनों को बुलाकर उन्हें समझा बुझाकर इन लोगों का समझौता करवाने की कोशिश की जाती है ताकि वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के अंतिम पल सुख शांति से अपने परिवार वालों के साथ ही गुजार सके, और अगर मामला नहीं सुलझता तो उनको ससम्मान यहां आश्रय दे दिया जाता है। आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति के खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जाता है। तब मैं आश्रम में मैंने देखा कि ये आश्रम नहीं है बल्कि ये बिल्कुल घर जैसा मामला है। सुबह 6 बजे चाय मिल जाती थी, 10 बजे नाश्ता मिलता था, 12 बजे खाना मिल जाता था, 4 बजे फिर चाय मिलती थी, फिर रात शाम को खाना मिल जाता। सब मिलता है खाने पीने को, साफ कोई बात की कमी नहीं। ऐसा खाना बदल बदल के रोजाना बढ़िया बढ़िया मिलता है। इस आश्रम की कार्य प्रणाली इस तरह से तैयार की गई है कि यहाँ रहने वाले लोगों को कभी इस बात का एहसास ना होने पाए कि वो लोग किसी की मेहरबानी पर जी रहे हैं। इस आश्रम में रहने वाले लोगों के मनोरंजन का भी संस्थान द्वारा पूरी तरह ख्याल रखा जाता है। आश्रम वासियों को उनकी रुचि अनुसार यहाँ खेल खेलने की सुविधा भी दी गई है। अगर कोई वृद्ध कभी बीमार हो जाता है तो उसके इलाज का प्रबंध भी यहाँ पर किया गया है, और अगर कभी मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है तो मरीज को इलाज के लिए फौरन अस्पताल भेज दिया जाता है। मैं बीमार पड़ गया आश्रम में, 10 दिन उसको उन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट किया, और हम लोग उनके यहाँ पे जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका हम क्रियाक्रम भी हम अंत्येष्टि अपने हाथों से करते हैं और अपने आप से करते हैं। उनका जो कुछ भी होता है पूरा क्रियाक्रम करने की सब लोग आपस में मिलकर करते हैं।
आश्रम में आने वाले वृद्धों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कुछ समय बाद इस आश्रम को आगरा के आवास विकास कॉलोनी के एक बड़े घर में स्थानांतरित कर दिया गया। जब यहां भी आश्रम में आने वाले वृद्धों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कुछ समय बाद इस आश्रम को आगरा के आवास विकास कॉलोनी के एक बड़े घर में स्थानांतरित कर दिया गया। जब यहां भी जगह कम पड़ने लग गई तो एक बड़े आश्रम के निर्माण के लिए आगरा के सिकंदरा स्थित मशहूर कैलाश मंदिर के पास यमुना नदी के तट पर जमीन लेकर यहां बड़े जोर शोर से एक विशाल आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस निर्माणाधीन आश्रम में 500 बुजुर्गों के रहने, खाने पीने व इलाज की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगर आप भी संत सुंदरदास सेवा समिति द्वारा आयोजित मानवता के इस महाकुंभ में सहयोगी बनना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या बुढ़ापा किसी इंसान के लिए अभिशाप है? बुढ़ापा तो हर इंसान में आना है। समय का ऐसा चक्र है जो हमेशा अपने आप को दोहराता है। हमें बुढ़ापे को श्राप नहीं, वरदान समझना चाहिए। एक ऐसा वरदान जो हमें आशीर्वाद देने के लिए इस दुनिया में आया है। और मैं इतिहास को दोहराना जानता हूँ। जो हाल आज मेरा है वो कल तुम्हारा होगा। मेरी ही तरह तुम्हारा ना कोई सहारा होगा। आज जहां मैं हूं कल वहां तुम होंगे, और जहां तुम हो वहां तुम्हारे बच्चे होंगे। तुम उनके सामने रोओगे और चिल्लाओगे, अपनी करनी पर पछताओगे। मुझे याद करोगे और अपने मन को समझाते हुए कहो अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ। सिखा दे गोदी उठा लेना। आज मदर्स डे है। माँ की अहमियत को अल्फाजों में बयां करना नामुमकिन है। अपने बच्चों के लिए माताएं न जाने कितने त्याग करती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ को बोझ समझते हैं। आगरा से एक रिपोर्ट आई, आप भी देखिए। ये है आगरा का रामलाल आश्रम। यहाँ ऐसी कई बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया है। इन्हीं में से एक है शांति जैन, जो अपने ही परिवार की बेरुखी के चलते पिछले 2 साल से इस आश्रम में रह रही हैं। शांति देवी के 2 बेटे हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए दोनों बेटों के घर में जगह कम पड़ गई। 2 बेटे हैं। कहाँ रहते हैं वो? सादरे में रहते हैं। दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली सादरा? दिल्ली सादरा। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का। आपको क्यों नहीं रखते हैं? जब जब चोट लगने से नहीं रखा बेटा, मैं पहले से तो मैं अपने अलग कर रहती।
नहीं रखा। बेटों की बेरुखी से बेघर हो चुकी शांति देवी आगरा पहुंच गई, इस उम्मीद के साथ कि उम्र के इस पड़ाव में उनका भाई जरूर साथ देगा। लेकिन वहां भी शांति देवी के लिए जगह नहीं थी। शांति जैन अम्मा को इनकी जो है भाभी यहाँ छोड़ करके गई हैं। इनके लड़के नेहरू प्लेस दिल्ली में थोका कंप्यूटर का व्यवसाय करते हैं। अपना घर है, कोठी है, सब कुछ व्यवस्था है, परंतु रखते नहीं हैं। इनके भाई भी जो है नेमीचंद जैन आगरा खंडारी में रहते हैं, वो भी नहीं रखते हैं और इन्हें आश्रम पहुँचा दिया है। 85 साल की हो चुकी शांति देवी ने अब आश्रम की बाकी महिलाओं के साथ अपना मन लगा लिया है, लेकिन बच्चों की बेरुखी उन्हें अब भी सालती रहती है। कई महीनों से कोई नहीं आ रहा। याद आती है आपको? आती है, याद क्या करूँ यार, फोन वोन भी नहीं है, कुछ नहीं है मुँह पर, जो किसी से कर रहा होगा तो भैया जी के पास होगा, ऑफिस में, मेरे पास तो कुछ नहीं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। लेकिन मदर्स डे के मौके पर शांति देवी जैसी माँ का जिक्र भी बेहद जरूरी है, जो किसी बेटे के हिस्से में नहीं आ पाती। आगरा से विनीत दुबे। कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। का कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आ खुदा है यारो। तो क्या है ओ, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है। हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है। बनाकर हमको मिटाता है फिर बनाता है। आदमी टूट के कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आ खुदा है यारो। कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी। कब तलक हमसे ये तकदीर। मेरा बेटा राजरानी गोयल भी कहाँ से? मैं बेटा दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ पे बेटी 3 साल हुई। पहले सब लोगों ने, गली वालों ने मेरा मिलके ऑपरेशन करवाया था राम लौरी अस्पताल में, फिर वो कामयाब नहीं हुआ बेटा। एक बेटी है मेरी, उन्होंने तो बहुत बोला मेरे को कि मम्मी यहीं पे रहो। उनकी जॉइंट फैमिली है बेटा जी। बेटी कहाँ रहती है? बेटी बेटा पानीपत में रहती है मेरी बेटी। आगरा का सफर कैसे रहा आपका बेटा? बस बहुत अच्छा रहा। जब से मैं यहाँ आई बेटा मेरे को किसी बात की परेशानी नहीं। मैं स्वर्ग में आ गई मेरे लाल। कितने साल से रह रही हूँ? मैं 3 साल से रह रही हूँ मेरे बेटा। मैं दिल्ली में बेटा दो दो दिन भूखी रही हूँ। दो दो दिन देखती थी आज गली में कोई खाना दे जाए, कभी कोई इंतजार करती थी मैं कोई आए तो आज रोटी दे जाए। ऐसा ऐसा टाइम मेरे ऊपर आया।
हमारे रिश्तेदार रहते हैं कमला नगर, उनकी लड़की है वहाँ पे जी, जी। वो ही मेरे को खाना दे जाती थी। एक दिन वो दो दिन के लिए बाहर चली गई, फिर वो आई कहने लगी आंटी खाना, मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं खाया। नीचे फ्लैट में किसी का बच्चा रहता था, वो तरबूज का छिलका फेंक गया, बेटा मैंने धो के वो खाया। फिर वो कहने लगी नहीं आंटी अब बहुत हो गया, मैं आपको ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रामलाल वृद्धाश्रम में आपकी सुविधाएं कैसी है? बेटा बहुत अच्छी, ये तो स्वर्ग में आ गई मैं बेटा, इतनी खुशी मेरे को अपने परिवार ने वालों ने कभी नहीं दी। मतलब आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे बेटे इतने अच्छे हैं, मेरे लाल आधी रात भी किसी की जरूरत पड़ती है तो मुझे मांगनी नहीं पड़ती बेटा, कोई चीज भी मांगने की नौबत ही नहीं आती, बिना कहे मैं नीचे भी नहीं आ पाती, मेरे को परेशानी है टांग में, ऊपर ही पहुंचा देते मेरे बच्चे। फल नहीं देगा न सही, साया तो देगा, इन बूढ़े दरख्तों को घर में लगे रहने दो। किसी शायर का ये शेर आज की युवा पीढ़ी को नसीहत देने के साथ ही उन बुजुर्गों के दर्द की बयानी भी करता है जो उम्र के उस पड़ाव पर अपनी औलाद की उपेक्षा के शिकार हैं, जिस पड़ाव पर उन्हें औलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस औलाद का पेट भरने के लिए माँ बाप भूखे रहते हैं और पेट काट कर उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं। भाई औलाद जब बड़े होने पर साथ रखने से मना कर देती है तो दिल का पूरी जिंदगी ही टूट जाती है। आगरा के कैलाश मंदिर के पास स्थित रामलाल वृद्धाश्रम औलाद की उपेक्षा की जीती जागती कहानियों के कई किरदारों का ठौर ठिकाना है। यह है रजत महेंद्रू, उम्र 63 साल। अभी 6 महीने पहले ही रजत महेंद्रू को उनके एक मित्र इस वृद्धाश्रम में लाए थे। मूल रूप से आगरा के साकेत कॉलोनी निवासी रजत 19 साल पहले गुजरात के सूरत में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ उन्होंने जरी की मशीनें लगाई, खूब पसीना बहाया और कारोबार को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बेटियों की शादी की, एकमात्र बेटा जवान होने पर पिता के साथ कारोबार में लग गया। आज उनकी 3 फैक्ट्रियां हैं जिनमें 82 मशीनें लगी हैं, करीब 50 करोड़ की संपत्ति है। घर में महंगी BMW कार तक है, लेकिन बुढ़ापा शुरू होते ही रजत महेंद्रू अपने परिवार के तिरस्कार के शिकार हो गए। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जवानी। राजेश कुमार महेंद्रू। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली आगरा का ही रहने वाला हूँ। आगरा 19 साल पहले छोड़कर चला गया था मैं। शिवाजी नगर कॉलोनी में रहते थे हम, ये साकेत कॉलोनी के साथ में है। उसको 19 साल पहले मैं छोड़ कर सूरत चला गया था। आगरा में मैं जितने टाइम रहा मैंने नौकरी की, और शू फैक्ट्रियों में करीब 20 साल नौकरी करी मैंने। एक ही फैक्ट्री में 15 साल की, दो फैक्ट्रियों में 2.5 साल की। उसके बाद सूरत चले गए। सूरत गए तो वहाँ पे अपना ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस शुरू किया, कोई 2 साल के करीब वो किया। उसके बाद वो बिज़नेस को वाइंड अप करके जरी इंडस्ट्री में आ गए, जरी की 2 मशीनें लगाईं। और लड़का उस टाइम पे इंटरमीडिएट कर रहा था तो नहीं कुछ नहीं। आपकी पत्नी? हाँ, पत्नी का फ़ोन आता है कभी कभी। अभी 1 महीना पहले फ़ोन आया था। दरअसल बात क्या है, मेरी एक LIC की पॉलिसी है जीवनश्री, उसमें मुझे 54 लाख रुपये मिलने हैं 4 साल के बाद। वो जीवनश्री की ऐसी टर्म्स कंडीशन थी कि जब फाइनल पेमेंट हो गया, जैसे आज मान लो मैंने पूरा भरना बंद कर दिया तो अब पैसा मुझे 4 साल के बाद मिलेगा। पेमेंट मैंने भरना बंद नहीं होती है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसी कहानी सुनहरी लाल वर्मा की है। उम्र 70 साल, सुल्तानपुरा में चांदी का कारोबार करते थे, अर्जुन नगर में रहते थे। 1 महीने से इस आश्रम में हैं। 3 बेटे हैं, 2 बेटों का अच्छा कारोबार है तो वहीं एक बेटा और बहू ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये बीमार हो गए तो बेटों ने इलाज तक नहीं कराया। एक दिन अटैक पड़ा तो भतीजे ने SN इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। बेटे बहुओं ने अस्पताल पहुंचकर बीमार होने का नाटक करने का आरोप लगाया और घर ले जाने से इनकार कर दिया। मेरा नाम सुराई लाल वर्मा है। सुल्तानपुर में मेरी सोने चांदी की दुकान है, अर्जुन नगर में मेरा मकान है और लड़कों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा दुकान करता है सोने चांदी की, जो मेरी दुकान पे बैठता है।
दूसरा वाला जूते का काम करता है, तीसरा बेटा ऑस्ट्रेलियाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी बहू भी ऑस्ट्रेलियाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने वही मकान ले लिया, कार ले ली। आश्रम में रह रही राजरानी गोयल के वृद्धाश्रम में पहुंचने की कहानी भी दर्दनाक है। करनाल की रहने वाली राजरानी गोयल की एक बेटी है जिसकी शादी कर चुकी हैं। 17 साल पहले पति का निधन हो गया, तब से अकेली हैं। एक एक रोटी को मोहताज राजरानी को उन्हीं के घर के पास रहने वाली कृष्णा गोयल ने उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाया। उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां को सच का उजाला के साथ साझा किया। कहाँ की रहने वाली हूँ मैं? करनाल। तो यहाँ करनाल वृद्धाश्रम में कब से रह रही हूँ? 4 साल से मैं रह रही हूँ। क्या वजह रही कि आपको यहाँ आना पड़ा? इनको 17 साल हो गए, खत्म हो गए, फिर मैं गिर गई थी। बात मेरा ये अनाचारों के खाने पीने के लिए रेंट पे रहते थे। अब बेटी भी ली है एक मेरी, उसने कहा मम्मी मेरे पास रहो, उसकी दोनों फैमिली है। तो मतलब पता नहीं आज प्राण निकले निकले, नहीं तो 10 साल ना निकले। बेटे कितने हैं आपके? ऐसे देखते रहती थी कोई आए मेरे को रोटी दो दे गई। जैसे कुत्ता भी दरवाजा खड़काता तब तक मैं मच्छी तक के जाते थे, लेकिन दो रोटी में दे देगा। उस गली में मतलब कमला नगर की एक लड़की है, हमारी रिश्तेदारी है, वो मेरे को खाना पीना दे जाती थी। एक दिन वो चली गई कहीं, पूरा दिन हो गया मेरे को, रात को 11:45 बजे वो आई, कहने लगी आंटी खाना। मैंने कहा नहीं बेटा खाना तो नहीं, कोई नहीं देगा आज। फिर वो बहुत रोई, कहने लगी अब बहुत हो गया मेरे को भी, मैं दुख सुख में भी कब तक आप भी ऐसे कब किसका इंतजार देखते रहोगे। फिर वो मेरे को लेके कमला नगर रहते हैं उनके मम्मी पापा सब, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर वो लोग मेरे को यहाँ पे लेके आए। अठहत्तर वर्षीय सूर्यचंद जैन को उन्हीं के ही बेटे बहुओं ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। वे 2.5 साल से इस आश्रम में रह रहे हैं। 9 साल पहले पत्नी की मौत हो चुकी है। घर से निकलने के बाद अभी भी अपने परिवार से बहुत प्रेम रखते हैं और उनके बारे में आज भी एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। टेंशन में दवाई होगी, इसका एक बार हो गया था, पूरे ऐसे हड्डियाँ निकल लेते हुए यहाँ का शरीर भर गया इनकी दुआ से। यहाँ सही हो कोई दिक्कत? हाँ बहुत सही है। बाबा के बाबा कैसा लगे? पौने 9 साल हो गए। पौने 9 साल जिस वक्त अपनी औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय अपनी ही संतानों से ऐसा तिरस्कार जिंदगी को नरक से बदतर कर देता है। संतानों से अलग रह रहे बुजुर्ग कभी अच्छा बोलते हैं तो कभी गुस्से में भला बुरा भी कहते हैं। कुल मिलाकर जो बुजुर्ग औलादों से अलग अकेले या वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनको प्यार की बड़ी दरकार है और उनकी आंखों में अपनों का इंतजार ही दिखाई देता है। बस आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों गाय दौड़ी चली आती है। यही नहीं, वह जिस गाय को उसके नाम से पुकारते हैं वह गाय अपने झुंड से निकलकर उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। आपको इस पर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन खुद शिव प्रसाद शर्मा मानते हैं कि गाय बहुत संवेदनशील प्राणी है और अपने प्रति प्रेम के भाव को आवाज से ही पहचान सकती है। शिव प्रसाद शर्मा आगरा में कैलाश मंदिर के पास रामलाल वृद्धाश्रम के केयरटेकर हैं और इसी आश्रम में एक गौशाला भी चलाते हैं जहां सड़क पर आवारा फिरती लावारिस गायों और नंदियों को रखा जाता है। उनकी गौशाला में इस समय 200 गाय हैं जिनमें केवल 9 दूध देती हैं। ये दूध वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों की सेवा के काम आता है। गौशाला में 150 नंदी हैं।
350 गाय हैं और हमारे यहाँ जो वृद्धजन यहाँ निवास करते हैं उन्हीं लोगों में से जो सेवा भावी लोग हैं वो इनकी सेवा करते हैं। ये गाय कहाँ से लाई गई है, खरीदी है या आवारा है? ये जैसे विभिन्न जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार PFA से भी यहाँ गाय भेजी जाती हैं, कई बार मंडी वगैरह से उठा के लाए, पुलिस प्रशासन द्वारा भी भेजी जाती है और ऐसे ही विभिन्न जगह से एक करके आती गई और समूह बने। यहाँ कितने सांड हैं? करीब 125 नंदी हैं और बाकी गाय हैं, इनमें से 9 गाय देते हैं, बाकी सब सेवा भाव वाली गाय। किस तरह का इन्हें भोजन दिया जाता है, क्या टाइम टेबल? क्या शिव प्रसाद शर्मा ने गौशाला में रहने वाली हर गाय को एक नाम दिया है, जैसे कल्लो, भूरी, गिलहरी, श्यामा, मोटी और ऐसे कितने ही नाम। शिव प्रसाद शर्मा जब भी किसी गाय को उसका नाम लेकर पुकारते हैं तो वह गाय अपने झुंड से हटकर दौड़ी हुई उनके पास आ जाती है। ये गाय सामूहिक आमंत्रण को भी पहचानती हैं। सच का उजाला की टीम के सामने जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो खुले में चर रही गाय दौड़ती हुई बाड़े में उनके पास आ गए। सुबह जिन्हें चारा डाला जाता है और फिर दोपहर में उन्हें बाहर निकाल करके सफाई की जाती है और दोबारा चारा डाला जाता है, फिर शाम के टाइम चारा डाला जाता है। क्या कोई सरकारी सहायता गाय? नहीं साहब, किसी भी तरह की रामलाल वृद्ध आश्रम में भी समय करीब 250 वृद्धजन है, रामलाल वृद्ध आश्रम को किसी भी तरह की कोई भी सरकारी आज तक किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। जो भी सहायता मिलती है जो हम आया शहर की उन्हीं द्वारा, हाँ, दानदाताओं द्वारा जो भी सहयोग होता है उसी से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है। गौशाला में गायों को 3 टाइम का भोजन दिया जाता है, समय समय पर दलिया, भूसा और हरा चारा दिया जाता है। गौशाला में 4 बाड़े हैं। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी गाय को बांधा नहीं जाता, फिर भी हर गाय अपने निर्धारित स्थान पर रहती है। इसे लेकर गायों में किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं होता। वृद्धाश्रम में गायों के गोबर से कंडे बनाने के साथ ही इस गोबर से लकड़ी भी बनाई जाती है जिसकी मशीन लगाई गई है। कुछ लकड़ी वृद्धाश्रम की रसोई के काम आती है और बाकी को शमशान घाट बेच दिया जाता है। गौरक्षा की रोज कस्में खाई जाती हैं, लेकिन सड़कों पर आवारा फिरती गायों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय में जब गौरक्षा के नाम पर अपनी सियासत चमकाने की होड़ लगी हुई है, शिव प्रसाद शर्मा रामलाल वृद्धाश्रम में स्थित यह गौशाला गाय के प्रति प्रेम भाव की जीती जागती मिसाल है और मिसाल इस बात की भी कि गायों के दिल में भी इंसानों के प्रति।
इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया।